उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो कर्ज के बोझ में दबे हैं और इस कोरोना के दौर में बैंक की तरफ से ब्याज पर ब्याज की मार झेल रहे हैं। खबर उनके लिए भी अच्छी है जो टाइम पर अपनी किस्त भर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं खबरों के इस अड्डे यानी एचएफ अड्डा पर मेरे यानी जया के साथ। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और आपके बैंक ने आपसे ब्याज पर ब्याज वसूला है तो ये रकम आपके खाते में वापस लौटा दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब सवाल है कि किनको होगा फायदा। सरकार के इस कदम का फायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने 2 करोड़ से कम का कर्ज लिया हुआ है। लेकिन क्या है स्कीम। स्कीम के मुताबिक 1 मार्च से 31 अगस्त की अवधि के बीच ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस लौटा दिया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर जल्द कदम उठाने को कहा था। इससे पहले लोन मोरेटोरियम की भी सुविधा दी गई थी। लेकिन क्या है लोन मोरेटोरियम की सुविधा। लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी, यानी अगर आप किसी लोन की ईएमआई भर रहे हैं तो कुछ महीने तक ईएमआई टालने की सुविधा। कुल 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिला। लेकिन फिर आरबीआई लाचार हो गया। पिछले दिनों आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में कहा गया था कि बैंक 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि 2 करोड़ तक के कर्ज के लिए ब्याज पर ब्याज माफ किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और राहत देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा। लेकिन फिर सरकार ने क्या कहा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी थी कि कुछ सेक्टर्स में 2 करोड़ रुपए तक के चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा, साथ ही क्रेडिट कार्ड के बकाए पर भी ऐसा ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब क्या होगा। अब जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनके मुताबिक ऐसे कर्जदार जिन पर 29 फरवरी तक का लोन 2 करोड़ रुपए से कम था उन्हें इस छूट का लाभ दिया जाएगा। ये स्कीम सूक्ष्म लघु एवं मझोल उद्यमों के साथ साथ पर्सनल लोन के लिए भी है। मोरेटोरियम अवधि में ग्राहकों से जो ब्याज पर ब्याज वसूला गया है उसको ग्राहकों को वापस किया जाएगा। यह ध्यान रखने वाली बात है ये कि आरबीआई ने कोरोना संकट के कारण लोगों को लोन चुकाने की मोहलत दी थी। अब सवाल है कि क्या हर तरह के लोन पर होगा फायदा। यदि आपने एजुकेशन लोन या कंज्यूमर लोन ले रखा है या फिर होम लोन और ऑटो लोन ले रखा है और आपके बैंक ने आपसे ब्याज पर ब्याज वसूला है तो इस पैसे को यानी कि ब्याज पर ब्याज वाले पैसे को आपके अकाउंट में वापस किया जाएगा। बैंक से मिलेगा कैशबैक। सरकारी निर्देशों के बाद बैंक कैशबैक देंगे और सरकार से इस रकम को लेंगे। इस कैशबैक का लाभ उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जिन्होंने आरबीआई की लोन मोरेटोरियम योजना का पूर्ण या आंशिक लाभ उठाया है। अगर आपने लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपनी ईएमआई जमा नहीं की है तो आपके केवल मूल और ब्याज देना होगा, पेनल्टी नहीं देनी होगी। बहरहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।